है, जो उसकी मानवता है, जो उसकी डिग्निटी है, वो इस आधार पर ना की जाए कि वो जन्म से महान है, उसके कर्म से उसको महान माना जाए। वो बराबर है हम सब लोगों के सामने, हर इंसान बराबर है, हर इंसान की आंख के आंसू की कीमत है, उसके दर्द की कीमत है, उसका कोई रंग नहीं है। ये मैसेज डॉक्टर लेनिन का है और उस समय समाज के लिए डॉक्टर लेनिन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम सब लोग डॉक्टर लेनिन को, उनके पूरे परिवार को और इस भारत के हर एक नागरिक को, साथ ही साथ काशी के, बनारस के एक एक शहरी को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि डॉक्टर लेनिन उसी हौसले के साथ लगातार काम करते रहे। इनके लिए हम लोग दिन और रात हाजिर हैं और अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर लेनिन जब कभी पिछड़ जाते हैं हवा भरने काम करते हैं और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े और इतना की बात की और बहुत ही मौजूद तरीके से उन्होंने डॉक्टर प्रीतिपाल साहब की शेर पेश किया कि इतना मत देखो निदान देखो। दोस्तों डॉक्टर हमारे भाई तन्वी ने यह भी कहा कि ये सम्यक समाज की रचना में हमारे भाई लेनिन लगे हुए हैं और वह मार्ग है भगवान बुद्ध का और डॉक्टर लेनिन पूरे परिवार साथ बुद्ध के मार्ग पर निकल पड़े हैं और आपको जानते ही खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि डॉक्टर लेनिन ने सब परिवार बुद्ध दर्शना में दीक्षा ली है। एक चार दिन बढ़ रहे हैं समता करुणा मैत्री का समाज बनने में ये बुद्धा का काम कर रहे हैं। इसमें कई बार मुझे जुड़ने का मौका मिला और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई उस दिन जिस दिन मैंने जाना कि कबीर भी ये त्रिशम पंक्ति जानता है, कबीर भी की तैयारी भी उसी दिशा में अच्छी है और ये इतिहास बनेगा। जनंदन जी उनकी दो लाइनें और मानवाधिकार करुणा मैत्री से जुड़ी बातें हैं, बाल श्रम से जुड़ी बातें, बहुत संदेश है इसमें। एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ लगाएं, दो चार भूखों को खाना खिलाएं, एक पेड़ लगाएं, दो चार भूखों को खाना खिलाएं, नए वर्ष में कुछ करें न करें एक अर्पण को करना सिखाएं। मंत्री भाई नंद किशोर जी प्रबंधक भी हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने उद्घार करें। भाई नंद किशोर और उनका स्वागत करता हूँ और अपनी ओर से और उन्हें ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि संघर्ष जो मानव अधिकार का जो संघर्ष लेके चल रहे हैं, निश्चित रूप से हम सम्यक समाज के लोग जहाँ उनके काम आएंगे या जहाँ हम लोगों को लगाने की बात आएगी निश्चित रूप से हम वो कार्य पूरा करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। साथियों पूरे भारत का अगर इतिहास पढ़ा जाए तो एक ही एक समय आता है जब मानव अधिकारों की भी सुरक्षा थी और इस देश का बच्चा बच्चा जो है समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पे आधारित जो है राज्य का उपभोग कर और वो था अशोक का और इसीलिए उनको द ग्रेट अशोक। और आज जो उसके बाद जितना आप काल ले रहे हैं मुझे तो अधिकांश जो है जो पढ़ने और जानने को मिला है निश्चित रूप से मानव अधिकारों का खनन का ही युग दिखाई दिया। तो अब जब ये 19वीं-20वीं शताब्दी की बात आई तो जब नई शिक्षा नीति आई 1991 में, नई आर्थिक नीति आई, बहुत से लोग बोलते थे कि इससे बड़ा देश का विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा, सारी बात थी। लेकिन जब हम कैडर पढ़ाते थे और नई शिक्षा नीति और नई आर्थिक नीति का जब हम विश्लेषण करते थे
तो एक ही चीज बताते थे कि इस शिक्षा नीति से जो गांव में 99% लोग रह रहे हैं और ज्यादातर जो गरीब हैं उनको अनपढ़ बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। और आज देख लें जो भी गांव में है जो बुनियादी शिक्षा प्राथमिक मानी जाती है उसकी दशा एकदम बेकार हो गई है, वो किसी लायक नहीं हो गई जहां से हम पढ़ते आए हैं और हम लोग स्टेज में आए हैं और बड़े बड़े जो है विद्वान भी बने। तो जब समाज को अनपढ़ बना दिया जाएगा, अज्ञानी बना दिया जाएगा, तो वो समाज जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मात्र कुछ चंद से जो चालाक लोग होंगे या तो उनका अनुसरण करेगा, पिछलग्गूपन बनेगा, वो उनकी चाटकारिता करेगा या उनके इर्द गिर्द जो है हाथ जोड़ के घूमेगा। तो अज्ञानी बनाने का कार्यक्रम इस देश के हुक्मरानों ने जो है वो 1991 से शुरू कर दिया। और ये भी हम लोगों ने कहा था कि देखो शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि हम हमारे लिए आम जनता की बस की बात नहीं होगी। ये भी सच्चाई हो गई, ये भी वही हो रहा है। और जो आर्थिक है उसका भी यही हो रहा है, चाहे उदारीकरण में आया या जो ग्लोबलाइजेशन में जो सारी चीजें वो सारी की सारी चीजें जो है वो गरीब को गरीब बना दिया, अमीर को अमीर बना रहा है और ज्यादातर अमीर बना रहा है। आज जो है हम जो मध्यम मीडियम क्लास के लोग हैं आज हम भी संघर्ष कर रहे हैं। जो बेईमान लोग नहीं है, जो ईमानदार लोग हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे जो है बच्चों को या अपने को ये सारी चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से जो भी चालाक लोग हैं, जो भी जो है मानव अधिकार के दुश्मन लोग हैं, वो अपनी स्थिति को इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार जो है अपने को बलिष्ठ करते हैं। और इसी बलिष्ठता में जो है हमारे लेलिन जैसे लोग और आईटीआई में भी बहुत से 3 आदमी जो मारे गए हैं जिनका नाम मुझको नहीं याद आ रहा है, वो आईटीआई से जो है सूचनाएं मांगे थे भ्रष्टाचार से संबंधित अंग्रेज के संबंध में, उनको भी गोली से उड़ा दिया गया और ईमानदार आदमियों में से। तो निश्चित रूप से आज जो है डॉक्टर लेलिन जी का जो कर रहे हैं इससे हमको व्यक्तिगत रूप से सीख लेनी होगी कि आम हम सब लोग जो आज जितने भी इकट्ठा हुए हैं क्या डॉक्टर लेनिन की तरह हम भी जो है समाज को कुछ देने लायक बने। क्योंकि आज समाज में 3 प्रकार के आदमी हैं। पहला जो आदमी है जैसे कि 3 मजदूर थे वो पत्थर तोड़ रहे थे और पहला मजदूर एक ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ था, तो पूछा कि मैं इस मजदूर से पूछूं कि ये क्या कर रहा है। तो जब पहले के पास जाता है तो पूछता है क्या कर रहे हो, तो जवाब देता है कि तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जो पहले टाइप का इंसान है इस भारत में वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, ज्यादातर सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। राजनीतिक है वो सर्वाइवल की लड़ाई कर रहा है कि कितना मैं धन एक लूं और इससे राजनीति कर लूंगा। इसी तरह के सरकारी कर्मचारी ये भी वो भी कर रहा है कि मैं कितना धन एक लूं, कितनी जो है अपनी जो है पीढ़ियों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था कर लूं, वो भी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। इन्हीं में एक मजदूर भी है वो भी जो है सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है कि अगर ये इस मजदूर का थोड़ा सा नुकसान हो जाए, मुझको फायदा हो जाए, तो वो भी वो काम करने को तैयार है। तो यार जो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने का सारा कार्यक्रम जो है इस देश में हो रहा है, ये देश को दुर्दशा में लाने की जो है एक मुहिम के तहत शुरुआत हो चुकी है। और जो दूसरे प्रकार का आदमी है, जब दूसरे मजदूर के पास जाता है तो कहता है भाई मैं पत्थर तोड़ रहा हूं और उस पत्थर से मंदिर का निर्माण हूं। तो जो दूसरा प्रकार का आदमी वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी मेरा बन गया है तो मुझे आप किसी दूसरे से लेना देना नहीं, मेरा बन गया है, वो नुकसान नहीं किसी को पहुंचाता है लेकिन अपना बना लेता है, अपने बनने के बाद वो दूसरे को नहीं देखता है, सेटिस्फैक्ट्री वाले आदमी। और जो तीसरा आदमी है, तीसरे के पास जब जाता है तो सारी बात बता देता है कि भाई पत्थर तोड़ा, पत्थर से मंदिर का निर्माण होगा, उसमें मूर्ति बैठाई जाएगी, सारे आगे और जितने भी काम होते हैं वो। ये तीसरे प्रकार का जो आदमी है वो कंट्रीब्यूशन वाला आदमी है, यानी अपना तो काम करता है, अपने करने के बाद मैं समाज को क्या दे सकता हूं। अपने थोड़े से चंद नौकरी पेशे वाला आदमी
करता हूँ तो आठ घंटे के बाद में घंटा दो घंटा समाज को उनको ज्ञानवान बना सकता हूँ या उनको कोई ऐसी चीज सिखा सकता हूँ जिससे वो अपने पैर पे खड़े हो, या मैं मेरी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी है कि मुझे समाज को अज्ञानी समाज को जो है यानी जगेरा के रूप में जगाने का काम करना है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन की बात है। लेनिन साहब ने कॉन्ट्रीब्यूशन का काम किया, उन्होंने जो अपनी उनकी निजी जिंदगी है वो तो जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो समाज अपना जो है समय जो है समाज को दे रहे हैं ये कॉन्ट्रीब्यूशन की बात। और आज जो कॉन्ट्रीब्यूशन वाले लोग नहीं हम मिल रहे हैं, जानते हुए भी कि इस देश के हुक्मरान जितने भी हैं बहुत ज्यादा इस पर मतलब व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, आज की विधानसभाओं में क्या हो रहा है, आज का जो कार्यपालिका है न्यायपालिका है क्या हो रहा है, कितने कितने प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, देश के जो है इस मुखिया जो कांग्रेस की जो सरकार चल रही है सोनिया गांधी, उसने भी कह दिया कि घूसखोर देश को बर्बाद कर देंगे। वो सीधा नहीं कह रही 50 साल बाद इस देश को जो है दूसरों के दूसरे देशों में अपरोक्ष रूप से जो है गुलाम बना देंगे, वो ये बात नहीं कह रही। और सच्चाई यही है, और नोट कर लीजिए हम उन्नीस सौ 91 में आर्थिक और नीति और जो है अर्थ नीति और शैक्षिक नीति के लिए जो हम सारी विवरण देते थे और जो आज दिखाई दे रहा है, आज भी नोट कर लीजिए, जिंदा रहेंगे तो हम आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन निश्चित है कि अपरोक्ष रूप से 50 साल के बाद इस भारत का गुलामी का चिन्ह निश्चित नजर आएंगे कि हम गुलामी की ओर अब जाकर बढ़ने जा रहे हैं। और इसी 50 साल में अगर हम जो है डॉक्टर अम्बेडकर का जो है कोसाइन डॉक्टर लेनिन का अगर रास्ता अपना लेते हैं तो शायद इस देश को हम बचा लेंगे, इस देश को हम बचा ले जाएंगे। क्योंकि जो बेईमान है, जो घूसखोर है, जो मानवतावादी अधिकार को जो हमारे ह्यूमन राइट्स को जो है लीन जा रहा है वो निश्चित रूप से उनमें कमी नहीं होनी, उनको अगर कमजोर करेंगे तो हमारे सारे लोग मिलकर के अपनी ताकत और अपना जहां हम काम कर रहे हैं काम करने के बाद अपने समाज को जगाने का इस देश के आदमियों को जगाने का काम अगर करेंगे तभी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग जो है आगे सभी लोग इस देश के जो नागरिक हैं बढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज प्रियम्बल में दी गई लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी स्वतंत्रता समता इस धर्म पर, और यही नहीं एक बहुत छोटी सी चीज उन्होंने लिखा है व्यक्तिगत धर्म डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। वो व्यक्ति कैसा भी हो, कितना गरीब हो, इवन तो थोड़ा सा मतलब पागल भी हो, उसकी भी अपनी धर्म है। ये भारतीय संविधान में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जिसका पूरा विश्व जो है इस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को लेकर के जो है इस भारतीय संविधान की पढ़ाई करता है, और हम लोग जो है उस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को एक भी नहीं समझते। पढ़े लिखे जो है कर्मचारियों की या पढ़े लिखे लोगों की पढ़े लिखे वकील आदि जितने भी लोग हैं, आज हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है इस देश को बचा ले, नहीं ये देश जो है आने वाले समय में, मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय से कह रहा हूँ और सच्चाई यही है कि अगर शायद हम लोगों का संघर्ष जो है ज्यादा तेज नहीं होता तो निश्चित रूप से 50 साल के बाद हमें एहसास होने लगे थे कि हम अपरोक्ष रूप से दूसरे देश के गुलाम बन सके हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्राप्त करने वाले डॉक्टर लेनिन हैं और इनके इसी मूवमेंट में आज भी हमारे पास एक हमारे दूसरे देश से आए मिस्टर एस्ट्रिन डे टू कम हियर एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज वर्क एंड हिज मिशन एंड अबाउट द कंट्रीब्यूशन बाय इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर आल्सो एंड डॉक्टर लेनिन योर कलीग Mr. Stephen Bay, please come and sit here. It's a pleasure, please. Thank you, Mr. Bay. Okay. I made a great experience in my time here. I looked for a place in India to get to know the country and to talk to people, and then I come to BBC Asia and to Dr. Lin, and what I see in the last 2 months is really, it changed my thinking.